एक क्वेश्चन नंबर टू पे आते हैं। ये रूट है तो इधर आके क्या हो जाएगा, स्क्वायर। इसको क्या लिखेंगे, वाई स्क्वायर। ये रूट है, इधर आके स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। अगर इधर एक्स स्क्वायर बराबर फोर है तो कितना लिखा जाएगा, इधर स्क्वायर है तो इधर आके कितना हो जाएगा, रूट। यदि इधर रूट रहेगा, रूट को इधर लाना चाहेंगे तो क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। अगर इधर स्क्वायर है तो उधर रूट चला जाएगा, इधर रूट है तो इधर स्क्वायर आ जाएगा। उसी प्रकार इधर रूट है, इधर आके कितना हो गया, स्क्वायर हो गया। और जैसे है वैसे आप एक्स माइनस टू, एक्स माइनस थ्री, एक्स माइनस फोर और एक्स माइनस फाइव, ठीक है। अब इसमें फिर से क्या लेंगे, टेकिंग लॉग बोथ साइड, टेकिंग लॉग बोथ साइड, तो दोनों तरफ लॉग लेने पे, तो दोनों तरफ लॉग लेने पे तो यहां पे लिख दीजिए लॉग वाई स्क्वायर एक्स माइनस वन, एक्स माइनस टू, फिर एक्स माइनस थ्री, यहां पे लॉग लेंगे, लॉग एक्स माइनस फोर और एक्स माइनस फाइव, ठीक। अब एक और प्रॉपर्टी देखते हैं लॉग का, लॉग एम पे पावर एन जो है वो एन लॉग एम हो जाता है, ठीक है। ये सभी लॉग का प्रॉपर्टी है कि जो भी पावर में रहता है वो आगे चला जाता है, ठीक। तो टू पावर में है तो आगे चलाएगा, तो उसको क्या लिखेंगे, लॉग वाई इक्वल टू। एक और लॉग की प्रॉपर्टी है लॉग एम बाय एन, तो क्या बन जाता है, लॉग एम माइनस लॉग एन, मतलब लॉग ऊपर वाला माइनस लॉग नीचे वाला, ठीक है। इसको क्या लिखेंगे, लॉग ऊपर वाला एक्स माइनस वन, एक्स माइनस टू माइनस, फिर लॉग एक्स माइनस थ्री, एक्स माइनस फोर और एक्स माइनस फाइव, ठीक है, टू लॉग वाई। अब इस प्रॉपर्टी से देखिए लॉग एम इंटू एन क्या होता है, लॉग एम प्लस लॉग एन, इसको क्या लिखेंगे, ये एम मान लीजिए और ये एन मान लीजिए, तो इसको क्या लिखेंगे, लॉग एम प्लस लॉग एन माइनस, ये एम हो गया, ये एन हो गया और ये पी हो गया, इसके अकॉर्डिंग इसको क्या लिखेंगे, लॉग एक्स माइनस थ्री प्लस लॉग एक्स माइनस फोर प्लस लॉग एक्स माइनस फाइव, ठीक है। टू लॉग वाई इक्वल टू लॉग एक्स माइनस वन, इसको लिख दिए, फिर से इसको लिख दीजिए। अब ये माइनस है, ये प्लस है, कितना हो जाएगा, माइनस लॉग एक्स माइनस थ्री। ये माइनस है, ये प्लस है, तो क्या हो जाएगा, माइनस लॉग एक्स माइनस फोर। ये माइनस है, ये प्लस है, फिर क्या हो जाएगा, माइनस लॉग एक्स माइनस फाइव, ठीक है। और टू इंटू लॉग एक्स का डिफ्रेंसिएशन कितना होता है, लॉग एक्स का डिफ्रेंसिएशन होता है वन बटे एक्स, तो लॉग वाई का डिफ्रेंसिएशन कितना हो जाएगा, वन बटे वाई और डी वाई बाय डी एक्स, ठीक है। जहां भी y का डिफरेंशिएशन करते हैं dy बाय dx लिखना होगा। उसके बाद log x का डिफरेंशिएशन होता है 1 बटे x, मतलब log, log log के बाद कुछ भी रहेगा उसको 1 बटे करते हैं तो ही उसका डिफरेंशिएशन होता है। तो log 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 के बाद क्या है, log के बाद क्या है, x माइनस वन है, तो इसको क्या लिखेंगे, 1 बटे x माइनस वन, ठीक है। प्लस फिर लॉग के बाद क्या है, एक्स माइनस टू है, एक्स माइनस टू लिखेंगे, क्योंकि लॉग के बाद एलओजी लॉग के बाद एक्स है, उसकी एक्स को वन बटे एक्स कर दिए, उसका डिफरेंशिएशन हो गया। मतलब लॉग के बाद कुछ भी रहे उसको अगर वन बटे कर देते हैं तो उसका वो क्या बन जाता है, डिफरेंशिएशन। माइनस इसका डिफरेंशिएशन एक्स माइनस थ्री, माइनस इसका डिफरेंशिएशन एक्स माइनस फोर,
माइनस इसका डिफ्रेंसिएशन एक्स माइनस फाइव, ठीक है। अब डी वाई बाय डी एक्स, वाई किस में है, डिवाइड में, तो इधर आके किस में हो जाएगा, मल्टीप्लाई में, और ये टू किस में है, मल्टीप्लाई में, इधर आके किस में हो जाएगा, डिवाइड में, और टोटल टर्म को आप क्या करिए, लिख दीजिए वन बटे एक्स माइनस वन, वन बटे एक्स माइनस टू, वन बटे एक्स माइनस थ्री, वन बटे एक्स माइनस फोर, वन बटे एक्स माइनस फाइव, ठीक है। अब डी वाई बाय डी एक्स, ठीक है, y का वैल्यू कितना है, y का वैल्यू इतना है, आप y का वैल्यू पुट कर दीजिए, ठीक है, पहले यहां तक लिखिए, राइट डाउन, फिर आगे देखते हैं। तो डी वाई बाय डी एक्स, वाई का वैल्यू कितना है, वाई का वैल्यू है रूट एक्स माइनस वन, एक्स माइनस टू, एक्स माइनस थ्री, एक्स माइनस फोर और एक्स माइनस फाइव, और ये टू है तो वन बटे टू लिख दीजिए आप, और बाकी सबको क्या करिए, लिख दीजिए एक्स माइनस वन, वन बटे एक्स माइनस टू, वन बटे एक्स माइनस थ्री, वन बटे एक्स माइनस फोर, वन बटे एक्स माइनस फाइव, ठीक है, राइट डाउन। आते क्वेश्चन नंबर तीन पे, फिर से क्या लेंगे, टेकिंग लॉग बोथ साइड, टेकिंग लॉग बोथ साइड, ठीक है, इसको लॉग लेंगे तो क्या हो जाएगा, लॉग वाई लॉग लॉग एक्स पे पावर कितना हो जाएगा, कॉस एक्स। अभी एक हम फार्मूला बताए थे आपको कि लॉग एम पे पावर एन हो, जब एन पावर में हो तो क्या हो जाता है, एन लॉग एम, ठीक है, जो भी पावर में रहता है वो कहाँ चला जाता है, लॉग के आगे चला जाता है, तो ये पावर में है, ये कहाँ चला जाएगा, आगे चला जाएगा, तो क्या हो जाएगा, कॉस एक्स लॉग लॉग एक्स, ठीक है। फिर से दो टर्म आ गया, फिर से दो टर्म आ गया, आप चाहे तो यू इंटू भी में बना सकते हैं, ठीक है, आप चाहे तो यू इंटू भी में बना सकते हैं, और आप चाहे तो टेकिंग लॉग बोथ साइड करके भी बना सकते हैं, तो फिर से हम क्या लेंगे, टेकिंग लॉग बोथ साइड, या तो आप यू इंटू भी में बना दीजिए, ठीक है, इसको यू इंटू भी में भी बना देते हैं, ये यू है और ये क्या है, भी है, तो यू और भी आप जानते हैं, यू इंटू भी का फॉर्मूला क्या होता है, डी वाई बाय डी एक्स, पहला वाला टर्म यू होता है, दूसरा वाला टर्म क्या होता है, भी होता है, तो यू को रखते हैं, किसका डिफ्रेंसिएशन करते हैं, भी का, प्लस भी का रखते हैं, भी को रखते हैं, किसको डिफ्रेंसिएशन करते हैं, यू का, तो पहला वाला टर्म को यू मान लीजिए, दूसरा वाला टर्म को भी मान लीजिए, लॉग के बाद कुछ भी रहेगा उसको वन बटे करने के बाद वही उसका क्या होता है, डिफ्रेंसिएशन होता है, और हम बताए थे कि वाई जहां भी हो उसका डिफ्रेंसिएशन करने के बाद डी वाई बाई डी एक्स लिखते हैं, डी वाई बाई डी एक्स लिखते हैं, ठीक है, और ये यू हो गया, ये भी हो गया, तो पहले आप u को रखते हैं, तो u को रखेंगे तो क्या हो जाएगा, cos x, फिर किसका डिफ्रेंसिएशन करेंगे, v का, तो v का डिफ्रेंसिएशन करेंगे तो v कितने पार्ट में टूटेगा, दो पार्ट में टूटेगा, ठीक है, v कितने पार्ट में टूटेगा, दो पार्ट में टूटेंगे, log log x, log के बाद l o g, log के बाद कुछ भी रहेगा उसको नीचे लिखते हैं, उसी के रिस्पेक्ट में उसको डिफ्रेंसिएशन करते हैं, इंटू फिर लॉग एक्स का डिफरेंशिएशन करेंगे, ये मेरा क्या हो गया, यू को रखे भी का डिफरेंशिएशन किए, फिर क्या है,
प्लस, अब बीच में क्या देंगे, प्लस देंगे, उसके बाद भी को रखते हैं तो भी का वैल्यू कितना है, वैल्यू अब भी लॉग लॉग एक्स किसका डिफरेंशिएशन करेंगे, यू का, तो यू का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, यू का, यू की जगह क्या है कॉस एक्स, तो कितना हो जाएगा कॉस एक्स, ठीक है। अब वन बटे वाई डी वाई बाय डी एक्स कॉस एक्स एल ओ जी लॉग, लॉग के बाद कुछ भी हो उसको वन बटे में कर देते हैं तो वही क्या होता है मेरा डिफरेंशिएशन होता है, तो लॉग के बाद क्या है लॉग एक्स है, तो कितना हो जाएगा उसका डिफरेंशिएशन वन बटे लॉग एक्स, और लॉग एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, फॉर्मूला में लिखे हैं कि लॉग एक्स का डिफरेंशिएशन कितना होता है वन बटे एक्स होता है, ठीक है। प्लस फिर लॉग लॉग एक्स को रखे हैं डिफरेंशिएशन तो उसको करना, जहां डी बाई डी एक्स लिखे हैं तो कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन कितना होगा, डिफरेंशिएशन ऑफ कॉस एक्स इज इक्वल टू माइनस साइन एक्स, ठीक है, डी वाई बाय डी एक्स, ये वाई किस में है डिवाइड में, वाई किस में है डिवाइड में, इधर आके किस में हो जाएगा मल्टीप्लाई में, और इसको आप ऐसा लिख सकते हैं कॉस एक्स बटे ये नीचे में है लॉग एक्स और एक्स नीचे है तो इसको लिख सकते हैं एक्स लॉग एक्स प्लस माइनस कितना हो जाएगा माइनस, इसको आप ऐसा लिख सकते हैं साइन एक्स इंटू लॉग लॉग एक्स, ठीक है। अब वैल्यू ऑफ वाई क्वेश्चन में देखेंगे कि वाई का वैल्यू कितना है, तो वाई का वैल्यू है क्वेश्चन में वाई का वैल्यू कितना दिया हुआ है लॉग एक्स पे पावर कॉस एक्स, तो आप वाई का वैल्यू क्या करिए पुट कर दीजिए, वैल्यू ऑफ वाई इक्वल टू लॉग एक्स पे पावर कितना है कॉस एक्स, और जो वैल्यू है यहां पे लिख दीजिए, आप चाहे तो एलसीएम भी ले सकते हैं, आप चाहे तो यहां पे एलसीएम भी ले सकते हैं, तो एलसीएम कितना आ जाएगा एक्स लॉग एक्स आ जाएगा, ठीक है, इस पार्ट का एलसीएम कितना आ जाएगा एक्स लॉग एक्स, तो क्या लिखाएगा कॉस एक्स माइनस एक्स लॉग एक्स, फिर इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा साइन एक्स और लॉग लॉग एक्स, यही आपका क्या हो गया आंसर, आप चाहे तो इतना भी लिख सकते हैं, फिर चाहे तो आप एक्स कॉस एक्स लॉग एक्स और वन का एलसीएम कितना आएगा एक्स लॉग एक्स आएगा, फिर जब एक्स लॉग एक्स को एक्स लॉग एक्स में डिवाइड करेंगे तो वन बचेगा शेष वन आएगा, जब एक्स लॉग एक्स को लॉग एक्स लॉग एक्स में डिवाइड करेंगे तो वन बार में कटेगा वन इंटू कॉस एक्स कितना हो जाएगा कॉस एक्स, फिर माइनस वन को इसमें डिवाइड करेंगे तो भागफल जो कितना आएगा एक्स लॉग एक्स, और इसको किस में मल्टीप्लाई करते हैं इसमें मल्टीप्लाई करते हैं, दिस इज योर आंसर, ठीक है, राइट डाउन।